दोस्तों, यदि आपने इंडिगो का फ्लाइट टिकट बुक किया है और आपका वो टिकट कहीं खो गया है जिसके कारण आप परेशान हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपना बुक किया हुआ फ्लाइट टिकट घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, और दोबारा ही नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार फ्लाइट टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और, मान लीजिए आप किसी एजेंट से फ्लाइट टिकट बुक कराते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एजेंट आपको गलत टिकट दे देता है, तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने फ़्लाइट टिकट एजेंट से बुक कराया है वो फ़्लाइट टिकट कहीं फेक तो नहीं है। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी ही वीडियो होगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन होने के बाद उसके एड्रेस बार में टाइप करेंगे इंडिगो, इंडिगो लिखकर सर्च कर देंगे। यदि आपने इंडिगो के अलावा किसी और फ्लाइट में टिकट बुक किया है तो उस टिकट को भी आप अपने मोबाइल से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात जानना ज़रूरी है कि हर फ्लाइट का अपना एक अलग वेबसाइट होता है, और वहाँ पर टिकट डाउनलोड करने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे ही आप इंडिगो लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही इंडिगो का वेबसाइट आ जाएगा। इसका मेन वेबसाइट है www.goindigo.in। तो यहाँ नीचे में लिखा है इंडिगो, हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे मोबाइल में इंडिगो का वेबसाइट ओपन हो गया है। आप चाहें तो यहीं से अपने लिए फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने पहले से ही फ़्लाइट टिकट बुक कर लिया है और आपको अपने बुक किए हुए फ़्लाइट टिकट को दोबारा से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ देख लिखा है एडिट बुकिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ नीचे में हमें अपने टिकट का PNR नंबर या फिर बुकिंग रेफरेंस नंबर डाल देना है, और PNR नंबर के जस्ट नीचे में दिया है ईमेल या लास्ट नेम। यदि आपका केवल एक ही नाम है, जैसे कि मान लीजिए राजेश, तो केवल आपको यहाँ राजेश लिख देना है। और यदि आपका नाम है राजेश कुमार, तो आपको यहाँ पे लिखना है कुमार। और यदि आपका नाम है राजेश कुमार सिंह, तो यहाँ पे आपको सिंह लिखना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे PNR नंबर और लास्ट नेम डाल देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने फ्लाइट टिकट का PNR नंबर तथा नीचे में लास्ट नेम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे में देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है ईमेल इटिनरी और दूसरा है गेट इटिनरी। यदि आप अपना फ्लाइट टिकट ईमेल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ईमेल वाले पे क्लिक करना है, और यदि आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर अपने फ्लाइट टिकट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है गेट इटिनरी, इस पे आपको क्लिक करना है। हमें अपने फ्लाइट टिकट को अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करना है, तो इसलिए हम इस दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगा, उसके बाद आपके टिकट का पूरा डिटेल आपके मोबाइल के अंदर शो हो जाएगा। फर्स्ट में है PNR नंबर जो कि कंफर्म है, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट है, और हमारा फ्लाइट टिकट कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ पे है। यदि हम इस पेज को और ऊपर खिसकाएंगे तो इसका और भी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि पैसेंजर डिटेल है, नाम है, बैगेज है। पेज को यदि हम और ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ पर फ्लाइट का डिटेल दिया हुआ है। यदि हम पेज को और ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ पर फेयर डिटेल है, यानी किराया, इस टिकट का कितना किराया है वो यहाँ पे है। यदि आपको अपने इस टिकट को दोबारा से प्रिंट करना है तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ लिखा है मॉडिफाई, मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे जिनमें से एक ऑप्शन है प्रिंट, तो हम इस प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फ्लाइट टिकट हमारे मोबाइल के अंदर PDF फॉर्मेट में सेव होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम अपने इस फ्लाइट टिकट को अपने मोबाइल के अंदर PDF फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ PDF का सिंबल है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ सबसे नीचे लिखा है सेव, तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फ्लाइट टिकट हमारे मोबाइल के अंदर PDF फॉर्मेट में सेव हो चुका है। चलिए हम बैक चलते हैं
और अपने मोबाइल का फाइल मैनेजर ओपन करके देखते हैं कि हमारा फ्लाइट टिकट हमारे मोबाइल में डाउनलोड हुआ है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लाइट टिकट हमारे मोबाइल में PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम इस टिकट को ओपन करते हैं। तो देखिए, हमारा फ्लाइट टिकट हमारे मोबाइल में ओपन हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग भी, यदि आपने इंडिगो से फ्लाइट टिकट बुक किया है, तो मात्र 2 मिनट के अंदर केवल PNR नंबर से ही अपने फ्लाइट टिकट को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जब चाहे तब उसे प्रिंट करा सकते हैं। और यदि आप एजेंट से बुक कराए हैं, तो इसी तरीके से आप लोग अपने फ्लाइट टिकट को चेक कर सकते हैं कि आपका जो फ्लाइट टिकट है वो ओरिजिनल है या फिर कहीं डुप्लीकेट तो नहीं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।